Hey guys, welcome back. कैसे हो सारे? आई होप सारे बढ़िया हो गए। सो बहुत दिन से तुम लोग कमेंट कर रहे थे बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बता दो, तो आज मैंने तुम्हारे बताए हुए कॉम्बिनेशन पिक कर लिए हैं, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कमेंट करने को। आज की वीडियो में हम फाइंड करने वाले हैं बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन CS रैंक के लिए। इस सीजन हमने बहुत पुश किया, तुम्हें पता है यहाँ पे दो दो बार मैंने ग्रैंड मास्टर लगा दिया। उसके साथ साथ मेरी 185 की स्ट्रीक भी है CS रैंक में। एक दूसरी आईडी में तुम यहाँ पे देख सकते हो, एकदम रियल स्ट्रीक है, कोई भी फेक नहीं है यहाँ पे। और ये मैं कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज करके ही बना था। बाकी तुम्हारे बताए हुए कैरेक्टर कॉम्बिनेशन टेस्ट करेंगे, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। पहला कमेंट हमारे सामने है और यहाँ पे बहुत सारे बंदे अग्री भी कर रहे थे सबका सेम कॉम्बो है, तो इसको टेस्ट करते हैं। यहाँ पे वो कॉन्ग दशा प्लस जोटा प्लस लास्ट में हमें लगाना है यहाँ वुल्फ्रा कैरेक्टर, जो कि तुम्हें अटैक में देखने को मिल जाएगा। और इसको लगाने के बाद तुम्हें गेम में आ जाना सिंपली। मैं भी गेम में आ चुका था यहाँ पे, अब टेस्ट करते हैं। मैं इससे 5 मैचेस खेलूंगा या फिर 3 मैचेस खेलूंगा और देखते हैं हम कितने विन करते हैं कितने लूज करते हैं। बाकी यहाँ पे सामने की तरफ पहले गया और एक बंदा नॉक ले लिया मैंने। देन यहाँ पे दूसरा बंदा मेरे को दिखता है जो कि अंदर की साइड था, यहाँ पे मैंने इसको देख लिया था, मैंने इसको हेड ही हेड दे दिया यहाँ पे और हेड पे ही एम गया था पता नहीं कैसे, बट वुल्फ्रा था तो ज्यादा हेड लगता है तुम्हें पता ही है। और कुछ इसी तरीके से हम पहला राउंड विन करते हैं एंड विन करने के बाद मैं आता हूं सेकंड राउंड में। यहाँ पे एक बंदा मेरे को दिखता है सामने की साइड, जिसको मैं जल्दी से नॉक लेता हूं UMP से। देन मैं वुकोंग बन जाता, मेरे को एक और बंदा दिखता है सामने की साइड, मैं सीधा जाता हूं उसके ऊपर रश करने। अभी मेरा वुकोंग तो चार्ज नहीं है बट मेरे को पता था मैं हेड मार दूंगा इसको, मैंने हेड भी मार दिया इसको। एक बंदा पीछे था जो कि पीछे से पता नहीं क्या कर रहा था, मैंने जल्दी से वुकोंग बन के इसके पास गया एंड मैं पास जा ही रहा था, ये बंदा पता नहीं क्यों मुक्के मारने लगा मेरे को। मेरे को समझ में नहीं आया इसने ऐसा क्यों किया, शायद से क्ला लेके आया होगा। इसके बाद सिर्फ एक लास्ट बंदा बचता है इस राउंड में, जिसको मेरा टीममेट शायद से जाके खत्म करता है। यहाँ पे वो राउंड भी हम विन करते हैं। देन आते हैं हम नेक्स्ट राउंड में। यहाँ पे मैं ड्रॉप चार्ज कर रहा था और ड्रॉप चार्ज करने के लिए भी बेस्ट कैरेक्टर है, मतलब तुम्हें पता भी नहीं लगेगा तुम्हारा ड्रॉप चार्ज हो जाएगा। चार्ज होता है, मेरे को AWM मिलती है और AWM और वुकोंग का कॉम्बो जॉर्ड है, मतलब इसको तुम कभी यूज करोगे ना किसी भी मैच में यूज करो, ये ऑलवेज से फायदा देगा। बिकॉज जो वुकोंग है ना वहाँ पे स्नाइपिंग करने में बहुत आसानी कर देता है। तुम देखो यहाँ पे सामने साइड एक वुकोंग बन के बैठा था, मैंने 150 दिया, एक बार फिर से 150 दिया और ये नॉक भी आता है। मैं जैसे ही आता है यहाँ पे मेरे सामने एक बंदा आता है, मैं इसको 150 देता है, नॉक भी होता है बट आईडी कोई और लॉग इन कर लेता है यहाँ पे और उसकी वजह से हमें दिक्कत हो जाती है। बट जैसे मैं गेम में वापस आता, वापस देखने पे यहाँ पे दो बंदे नॉक मिलते हैं यहाँ पे और मैं बच चुका था यहाँ पे। लास्ट कुछ बंदे बचे हुए थे, एक लास्ट यहाँ पे बंदा बचा है, मैंने 150 दिया और इसके बाद ये गेम हमारा बहुत इजी पीजी भैया होता है। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। हम आते हैं नेक्स्ट मैच में। यहाँ पर आते ही मेरे पास यहाँ पे दो शॉट जो कि मिनी शॉट गन थी, तुम मिनी शॉट गन बोल सकते हो, दो शॉट तो नहीं है। मैं सामने की तरफ गया, ये बंदा पता नहीं क्यों सोने दे मित्र लगा के खड़ा हो गया मेरे सामने, मैंने इसको जल्दी से नॉक निकाल दिया एंड नॉक करके इसको जल्दी से क्लियर करा एंड देन बाहर जाता मैं। यहाँ पे एक और बंदा मेरे को दिखा और वुकोंग का बेस्ट यूज लगता है मेरे को, मतलब जब ऐसी सिचुएशन हो यहाँ पे क्लच करते टाइम ओरियन और वुकोंग बहुत काम आता है। वुकोंग से तुम यहाँ पे ड्रॉप भी चार्ज कर सकते हो, तुम यहाँ पे देख सकते हो मैंने बहुत इजी पीजी ड्रॉप चार्ज कर लिया था। अब ये बंदा मेरे को दिखता है, मैंने बोला था स्नाइपर बहुत अच्छी चलते हैं यहाँ पे, मैंने इसको हेड दे दिया सीधा। यहाँ पे कुछ नहीं देखता, मैं सीधा ऊपर चला जाता है यहाँ पे, मेरे को पता था ऊपर यहाँ पे रिवाइव करेगा बट ये रिवाइव नहीं कर रहा होता, ये बंदा भाग रहा होता बहुत देर से एंड यहाँ पे एक बंदा नीचे की साइड होता है, मैंने इसको देख लिया था। यहाँ पे मैंने 150 दिया, ये बंदा भी नॉक हो जाता है। अभी यहाँ पे सिर्फ दो ही बंदे बचे हुए थे जो कि एक सामने था मेरे, जिसको मैंने देख लिया, फिर से मैं वुकोंग बन गया एंड देन मैंने 150 दिया और उसके बाद मैंने जल्दी से नॉक ले लिया इसको। यहाँ पे एक लास्ट बंदा और था, ये मेरे को पहले दिखा नहीं था, फिर मेरे को दिखा, मैंने 150 दिया एंड देन यहाँ पे बहुत इजी पीजी एस मारा यहाँ पे वुकोंग के यूज से। तुमने देखा वुकोंग यूज करते हुए स्नाइपर भी चलाई एंड यहाँ पे बाइजन के साथ बहुत अच्छा एस मारा। देन यहाँ पे तुम भी ऐसा कर सकते हो। बाकी यहाँ पे मैं सामने साइड आ गया था, अगर तुम थोड़े बहुत कंफ्यूज हो ना कि बंदे है या नहीं आगे, तो तुम सिंपली वुकोंग बन जाओ, उसके बाद तुम 150 दोगे, बहुत आसानी से सामने वाला बंदा नॉक होगा और क्लियर भी। इसमें यहाँ पे AWM चलानी आनी चाहिए, चाहे अच्छे से आए ना आए बट तुम्हें थोड़ी बहुत चलानी आनी चाहिए, तुम गेम बहुत इजी विन करोगे। देन यहाँ पे मैं आ गया था अगले मैच में। तुमने देखा यहाँ पे हमने बैक टू बैक दो गेम विन करे, वो भी तुम्हारे बताए हुए कॉम्बो की मदद से। यहाँ पे मैं ऊपर जाता है यहाँ पे एंड देन यहाँ पे मैं जल्दी से इसको नॉक कर रहा था बट यहाँ पे थर्ड पार्टी होगी मेरे ऊपर, मैं अंधा रश कर गया था जो कि नहीं करना चाहिए। कोई भी कॉम्बो हो तुम्हें बचा नहीं पाएगा थर्ड पार्टी से, लेकिन अगर तुम दो बंदों के बीच में घुस जाते हो तो वुकोंग तो बचा लेगा, मतलब ओरियन तो बचा लेगा बट वुकोंग नहीं बचा पाएगा। यहाँ पे तुम देखो ऐसे क्लचेस कर सकते हो तुम, अगर तुम एक एक करके सबको खत्म करते हो यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे करा। एक बंदे को मैंने जल्दी से नॉक लिया, दूसरा बंदा मेरे सामने आता है, देन यहाँ पे मैं इसको भी नॉक लेता है यहाँ पे और वुकोंग बन के बहुत इजी राउंड निकालते। मैंने ऐसे बहुत ही क्लचेस करे हैं, तुम यहाँ पे देख ही सकते हो, ये बंदा मेरे सामने आ रहा था, मैंने हेडशॉट देके इसको बहुत इजी नॉक कर दिया, मेरा वुकोंग चार्ज हो जाता है यहाँ पे। हम बहुत इजी पीजी राउंड भी विन कर रहे थे। अभी यहाँ पे देखो क्या होता है, मेरे ऊपर रश हो जाता है, मैं थोड़ा सा फंस गया था यहाँ पे। देन क्या होता है, ये बंदा मेरे को सामने दिखता है, मैंने इसको जल्दी से नॉक ले लिया एंड नॉक लेने के बाद वुकोंग बनता है यहाँ पे और देन इसको भी मैंने बहुत जल्दी नॉक ले लिया एंड दो बंदे नॉक लेने के बाद अब सिर्फ दो ही बंदे बचे होते हैं, जिनमें से कि एक मेरे सामने आता है, मैंने इसको एक शॉट दिया एंड देन यहाँ पे बहुत जल्दी इसको नॉक निकाल लिया। समझ में नहीं आता कि जो लास्ट बंदा है ये कहाँ पे छुप के बैठा है, मैं सिंपली यहाँ पे वुकोंग बन जाता अपने आप को सेव करने के लिए ताकि उसका एम नहीं आया बहुत ईजी। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दिखता है मेरे को, देन मैं गया और बहुत ईजी मैंने हेडशॉट दिया और यहाँ पे भी एस होता है। अगर तुम्हें नेट करना पसंद है तो बीस्टन भी लगा लेना यहाँ पे, मेरे पास बीस्टन तो था नहीं यहाँ पे। इस राउंड में मेरे ऊपर रश आ रहा था, जैसी रश आया एक बंदे को मैंने जल्दी से नॉक लिया। अब ये दूसरा बंदा मेरे सामने आता है, मैंने इसको थोड़ा बहुत डैमेज दिया बट देन यहाँ पे दिखता है मेरे को एक हेड पड़ता है इसको यहाँ पे और सामने दो बंदे बचे हुए यहाँ पे, सिर्फ दो ही बंदे यहाँ पे। मेरे पास नेट था बट नेट गया नहीं यहाँ पे, मैंने मारा तो सही बट यहाँ पे पीछे की साइड एक बंदा आता है दिमित्री लगाता है बट यहाँ पे मैंने इसको जल्दी से क्लियर करा। अब ये बंदा मेरे को दिखता है, मैंने इसको नॉक
फिर से वुकोंग बन जाता हूँ। मैंने इसको क्लियर करा एंड देन यहाँ पे ये राउंड भी हम बहुत इजी विन करते हैं, साथ में पूरा गेम विन करते हैं। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपनी मैच हिस्ट्री, तुम यहाँ पे देख सकते हो हमने बैक टू बैक 5 गेम विन करे हैं, स्ट्रीक लगाई है यहाँ पे इस कॉम्बो के साथ। तो चलते नेक्स्ट कॉम्बो की तरफ एंड देखते किसका कॉमेंट आया हमें नेक्स्ट। तो अगला कॉम्बो है हमारा यहाँ पे राकेश भाई की तरफ से, यहाँ पे इन्होंने कमेंट करा तात्सुया प्लस एलाइट एल्वोरो प्लस शानी प्लस ओथो। ये कॉम्बो लगा के मैं सीधा मैच स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ पे और मैं आ जाता हूँ अपने दूसरे गेम में। और यहाँ पे आने के बाद क्या होता है, मैं सीधा गया एंड देन मैंने दो शॉट दिया, ये बंदा नॉक होता है। एक टीममेट यहाँ पे मेरा बहुत गंदी तरीके से फंस चुका था, यहाँ पे इसके ऊपर गैंग बैंग हो रहा था, बट फिर मैं गया इसके पास एंड देन जाते मैंने जल्दी से दो शॉट देके नॉक किया। अब ये बंदे को मैंने नॉक किया बट यहाँ पे मेरी एचपी कम होती है, ये बंदा मेरे को नॉक तो लेता है बट यहाँ पे एस नहीं हो पाया। बट कोई नहीं, यहाँ पे ये राउंड हम विन करते हैं। अब ये कॉम्बो में हमारे पास नेट भी है, एक बंदा मेरे को सामने दिखता है, यहाँ पे दो बंदे मेरे ऊपर रश करते हैं, बस यही देख के यहाँ पे मैंने नेट उठा लिया। और जैसे मैंने नेट किया यहाँ पे नॉक तो कोई नहीं आया बट यहाँ पे बंदे डर गए थे। अभी बंदा दूर जाता है यहाँ पे एंड देन यहाँ पे मैंने इसको नॉक, कैसे करके हम ये राउंड भी विन करते हैं। जैसे हम ये राउंड विन करते हैं अगले राउंड में क्या होता है, मैं सीधा रश कर देता है यहाँ पे, जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी, यहाँ पे सीधा रश कभी भी नहीं करना चाहिए, इसकी वजह से मैं यहाँ पे नॉक हो गया और हमें हारना पड़ा ये राउंड। फिर मैं अगले राउंड में आ जाता हूँ यहाँ पे और आने के बाद मैंने एक बंदा जल्दी से नॉक लिया हॉग से और हॉग बहुत अच्छी चल रही है यहाँ पे। एक बंदे का लोकेशन मेरे को दिखता है जो कि वो तो उसे दिख रहा था मेरे को यहाँ पे, मैं सीधा रश करने गया, एक बंदा पीछे की साइड से आता है यहाँ पे और मैंने इसको जल्दी से खत्म किया तात्सुया की यूज से। देन यहाँ पे ये गेम भी हमारा भुया हो जाता है, हम आते हैं नेक्स्ट गेम में। यहाँ पे मेरे को नेट का भी यूज करना था, यहाँ पे मैंने पहले राउंड में नेट का बहुत अच्छा यूज किया, तुम भी कर सकते हो तुम्हारे पास अगर नेट है तो यहाँ पे। और पहला राउंड जीतना बहुत आसान होता है अगर तुम नेट अच्छा करते हो, तो तात्सुया कैरेक्टर है तुम्हारे पास तो रश करके बहुत ईजी किसी को भी खत्म कर सकते हो। पहले तुम्हें लोकेशन कवर करना है, तात्सुया का मेन बेनिफिट यही होता है, तुम्हें लोकेशन मिल जाती है सबसे पहले और तुम वहां जाके बहुत ईजी नेट कर सकते हो, नेट रखना ऑलवेज तुम्हारे पास। ये कॉम्बो मेरे को सच में बहुत मस्त लगा बिकॉज यहाँ पे रश भी कर सकते हैं साथ में नेट भी कर सकते हैं। अब एक बंदा यहाँ पे होता है, ये मेरे को दिखता है, मैंने 150 दिया इसको, बहुत जल्दी मैं इसको नॉक लेता है यहाँ पे। अब इस राउंड में क्या होता है, एक ही बंदा बचता है जो कि सामने की साइड था, मैं सीधा रश कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे सामने 1v2 जरूर था, सामने की साइड मेरे को ये बंदा दिखता है और मैं सीधा गया, बट सीधा नहीं गया, मेरा टीममेट सीधा गया यहाँ पे और वो जल्दी जाके नॉक हो जाता है, 1v1 हो जाता है मेरे सामने, बट ये वुकोंग बन के बैठा हुआ था। मैंने 150 दिया इसको, मैंने इसको 150 तो दिया था बट ये बंदा हील हो जाता है और हील होने के बाद दोबारा सामने आता है, बट क्या होता है मेरा टीममेट ने राइडन यहाँ पे छोड़ रखा होता है, उसमें फंस जाता है। मैं 150 देता है इसको यहाँ पे और ये बहुत इजी पीजी खत्म होता है यहाँ पे, ये राउंड भी हम विक्ट्री करते हैं। और ऐसे हमने बहुत सारे राउंड विक्ट्री करे। कुछ लोकेशन ऐसी होती है जहाँ पे बहुत अच्छा एडवांटेज मिलता है तात्सुया कैरेक्टर का, जैसे कि ये लोकेशन है नेक्स्ट रा मैप की, यहाँ पे तुम सबसे पहले आ जाओ यहाँ पे एंड देन यहाँ पे आने के बाद तुम अगर ओम प्लेयर हो तो बहुत बेनिफिट मिलेगा तुमको, यहाँ से AWM मारते रहो 150 150, ऐसे करते करते तुम यहाँ पे नॉक भी निकाल लोगे अगर कोई तुम्हें नॉक दिखता है यहाँ पे। उसके बाद ओथो से सबकी लोकेशन आती है जहाँ पे तुम देख ही सकते हो यहाँ पे, यहाँ पे मेरा नेट चला गया था, पता नहीं क्या हो रहा था मेरे साथ, थोड़ा बहुत ग्लिच हो गया था, 99+ की पिंग तुम देख ही सकते हो ऊपर की साइड, बट यहाँ पे कुछ नहीं होता, मेरा टीममेट इसको नॉक लेता है बहुत जल्दी यहाँ पे और ये मैच भी हम विन करते हैं। ऐसे यहाँ पे रश करके खेलने में बहुत मजा आता है CS रैंक में, अगर तुमने कभी खेला हो तुम्हें पता होगा यहाँ पे। और सेंटोनियो वाले बंदे जो होते हैं यहाँ पे तुम्हें पता है कैसे यूज करते हैं, तुम्हें बस यहाँ पे खड़े रहना और ये बंदे तुम्हारे सामने ऑटोमेटिक ही आ जाएंगे। मैं बोलूंगा यहाँ पे राकेश भाई तुम्हारा कॉम्बो जॉर्ड है यहाँ पे, बिकॉज इससे मेरे को बहुत मजा आया खेल के यहाँ पे और मैंने बहुत सारे मैचेस विन भी करे हैं, तुमने तो देखा यहाँ पे बैक टू बैक हमने 3 गेम भुया मारा था। अब यहाँ पे लास्ट बंदा बचा था, मैंने उसको हेड दिया और ये बंदा खत्म हो जाता है। ऐसे कॉम्बो मेरे पर्सनल फेवरेट होते हैं यहाँ पे जहाँ पे नेट भी हो यहाँ पे और तुम यहाँ पे क्लॉक टावर राउंड में बहुत इजी इसका यूज कर सकते हो, सीधा आ जाओ यहाँ पे और यहाँ पे आने के बाद इस वाली खिड़की से तुम बहुत इजी किसी को भी डैमेज दे सकते हो। मैंने एक बंदा नॉक निकाल लिया, ये ट्रिक मैंने बहुत यूज करी थी जब मैं CS रैंक पुश कर रहा था एंड उस टाइम तुमने देखा होगा यहाँ पे हमने बहुत रश करके खेला यहाँ पे और बहुत ज्यादा क्लचेस भी मारे। अब यहाँ पे लास्ट बंदा बचता है इस राउंड में जो कि सामने की साइड था यहाँ पे, मैंने उसको भी नॉक निकाला और ये राउंड भी हम विन करते हैं। मैं डिटेल में तुम्हें कॉम्बो यूज करके दिखा रहा इसलिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा यहाँ पे, अगर तुम्हें वीडियो बोरिंग लगती है यहाँ पे तो कमेंट करके जरूर से बता देना, मैं इसको शॉर्ट भी करने का ट्राई करूंगा। बट यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर तुम नए हो चैनल पे तो कुछ नहीं करना, नीचे जाओ और सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना, वहाँ पे बहुत इजी हो जाए तुम्हारे लिए सब्सक्राइब करना एंड मेरे लिए भी बहुत इजी होगा यहाँ पे तुम्हारे लिए कंटेंट बनाना। अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, इस कॉम्बो में हमारे पास नेट भी था यहाँ पे, मैं नेट करने का ट्राई कर रहा था बट ये बंदा सेंटोनियो लगा के बहुत चालाकी से इसको यूज कर रहा था यहाँ पे। सेंटोनियो में बेस्ट कैरेक्टर है, अगर कोई कमेंट करके बताना तुम्हारे पास इसका कोई कॉम्बो है तो, बिकॉज मेरे को तो बहुत बेस्ट लगा, ये बंदा बहुत जगह से भाग जा रहा था। अगर तुम्हारे पास भी कोई ऐसा कॉम्बो है सेंटोनियो का तो कमेंट करके जरूर से बताना बिकॉज मेरे को नीड है यहाँ पे। सेंटोनियो भी बेस्ट कैरेक्टर है, मतलब अभी तक मैंने यूज तो करा नहीं बिकॉज कमेंट नहीं आया, अगर तुम कमेंट करते हो तो नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारा कमेंट पिक कर लेंगे एंड देन यहाँ पे मैं यूज करके भी बताऊंगा। तुमने लास्ट क्लिप देखी होगी मैं कैसे डाउन हो गया था वहाँ पे। बाकी इस क्लिप में क्या होता है, मेरे ऊपर रश आ रहा होता है एंड जैसे ही रश आता है मैं नेट करता है यहाँ पे, नेट से एक बंदा नॉक आता है, दूसरा बंदा मेरे सामने आता है जिसको मैं हेडशॉट मार के जल्दी से नॉक करता हूँ। यहाँ पे लास्ट का सिर्फ एक ही बंदा बचा होता है जिसको मेरा टीममेट खत्म करता है यहाँ पे और देन यहाँ पे हम ये राउंड भी विन करते हैं। ये बंदा सेंटोनियो यूज करता है बट यहाँ पे हम ये राउंड भी विन कर चुके हैं। मैं इस कॉम्बो से बैक टू बैक 3 या 4 गेम खेल चुका और यहाँ पे अभी तक मैं नहीं हारा, देखते क्या मैं अगले गेम में हार सकता हूँ। ये चेक करने के लिए मैंने अगला गेम स्टार्ट किया और यहाँ पे क्या होता है, मैं ड्रॉप चार्ज कर रहा था, यहाँ पे मेरे ऊपर रश आता है सामने वाले बंदों का एंड यहाँ पे जैसे एक बंदा मेरे सामने आता है मैंने इसको
को हेड देके जल्दी से नॉक किया। यानी यहाँ पे इसके टीममेट्स मेरे ऊपर रश मारते हैं, जिसमें से एक टीममेट मेरे पास आया, बट यहाँ पे मेरा टीममेट इसको नॉक लेता है। मैं यहाँ से ताजुए लगा के जल्दी से बच जाता, बिकॉज यहाँ सामने की साइड से मेरे को डैमेज पड़ रहा था। यहाँ पे मैं नीचे की साइड आया, यहाँ पे एक बंदा मेरे को दिखता है, जिसको यहाँ पे मैंने हेड दिया ऑक से, बहुत प्यारा हेड दिया यहाँ पे मैंने। ये बंदा जल्दी से नॉक होता है, देन यहाँ पे सिर्फ लास्ट ही बंदा बचता है जिसको मेरे टीममेट खत्म करते हैं यहाँ पे, और वो राउंड भी हम विन करते हैं। और ऐसे करके हमने पूरा मैच विन कर दिया था, जिसके बाद तुम यहाँ पे एंड रिजल्ट देख सकते हो। यहाँ पे हमने बैक टू बैक चार गेम भैया हमारे, एक बार फिर से हमारी स्ट्रीक लग जाती है। अगला कॉम्बो है हमारे पास वॉरियर वाइटी की तरफ से। यहाँ पे हमें लगाना है जस्टिन बीबर प्लस शानी प्लस एंटोनियो प्लस जाइन कैरेक्टर एक्टिव स्किल में। फिर क्या था, मैंने स्किल लगा ली एंड देन मैं आ जाता हूँ अपने गेम में। एक बंदा मेरे सामने आता है, बट इससे मेरी 1v1 की फाइट थी, तो यहाँ पे मैंने अपनी स्किल जल्दी से ऑन नहीं करी, बिकॉज यहाँ पे मैं वेस्ट कर देता। मैं जैसे ही सामने की तरफ जाता है, यहाँ पे मेरे टीममेट्स नॉक हो चुके थे। यहाँ पे हमारे सामने 2v3 सिचुएशन थी, एक बंदे को मैंने गंदा डैमेज दे रखा था, मैंने उसको जल्दी से नॉक निकाल दिया। मेरे सामने यहाँ पे 1v1 हो जाता है, जहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ अपने स्किल को, बिकॉज मेरे को पता है यहाँ पे राउंड हमें विन करना है। यहाँ पे मैं जल्दी से अपनी एचपी रीगेन करता है यहाँ पे, और लास्ट बंदा बचा था थोड़ी गोली का था यहाँ पे, ये बंदा खत्म होता है। हम पहला राउंड तो बहुत इजी विन करते हैं। हम आते हैं यहाँ पे अगले राउंड में, और यहाँ पे आने के बाद क्या होता है, सामने साइड एक बंदा आता है, मैं इसको जल्दी से नॉक लेता है हेडशॉट मार के, एंड देन एक बंदा मेरे को बाहर दिख रहा होता है, इसको मैं बहुत जल्दी नॉक लेता है यहाँ पे, बट मेरे टीममेट्स यहाँ पे नॉक पड़ते हैं। मैं जोश में आ गया था, मैं बाहर गया, बट यहाँ पे क्या होता है, मैं भूल गया था कि यहाँ पे थर्ड पार्टी नहीं होनी थी, वहाँ पे बीच में नहीं घुसना था, बिकॉज अगर तुम बीच में घुसते हो तब तुम्हारी 300 की भी एचपी होगी ना, तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, सामने वाले तुम्हें मार देंगे। बट ऐसे अगर तुम 1v1 में घुसते हो ना यहाँ पे, तुम बहुत इजी किसी को भी नॉक निकालोगे। 1v1 में ये कैरेक्टर तुम्हें बहुत काम आएगा, हालांकि तुम कभी नॉक हो सकते हो, बट बहुत रेयर होगा कि तुम नॉक होगे। बाकी अगर तुम्हारे टीममेट के साथ खेल रहे हो यहाँ पे, तो तुम्हें रिवाइव भी मिल जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं होती अगर तुम टीममेट के साथ रह के खेलते हो तो। यहाँ पे देखो क्या होता है, मैं अगले मैच में आता है यहाँ पे, और सामने साइड दो बंदे थे यहाँ पे। तीन राउंड तो हम यहाँ पे ऑलरेडी विन कर चुके हैं, बट इस राउंड में मैं मिस्टेक कर देता यहाँ पे, मैंने इसको नॉक तो निकाला, बट यहाँ पे देखो क्या होता है, एक बार फिर से यहाँ पे मैं घुस गया था सामने साइड। मेरे को लगा यहाँ पे एक बंदा था, बट यहाँ पे इन लोगों की प्लानिंग थी, यहाँ पे ये बंदा पीछे भाग जाता है, यहाँ पे मेरे को डैमेज पड़ता है पीछे की साइड से, और मैं यहाँ पे नॉक जाता हूँ, बट मेरा टीममेट पता नहीं कैसे 1v3 क्लच करता है यहाँ पे, और ये गेम हम बुआ करते हैं। ऐसे में हारने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो ऐसा मत करना, मतलब मैं तो कर चुका हूँ, बट तुम मत करना यहाँ पे, मतलब मिस्टेक्स हो जाती है, बट कोई नहीं। यहाँ पे सामने साइड तुम देख सकते हो, इस राउंड में क्या होता है, एक बंदा मैंने जल्दी से नॉक किया, मेरे सामने 1v3 था, बिकॉज मेरे सारे टीममेट्स नॉक हो चुके हैं, मैं यहाँ पे अकेला बच गया था यहाँ पे, और मैंने डबल किल कर दिए थे, यानी कि मेरा एस हो सकता है, देखते कैसे एस करते हैं या नहीं। या सामने साइड में ज्यादा जल्दी से यहाँ पे UMP थी मेरे पास, मैं जल्दी से आके इसका कवर लेता, एंड देन मेरे को पता था एक बंदा आएगा, मैंने जल्दी से इसको नॉक निकाला, दूसरा बंदा इसको नॉक निकाला, और एस के साथ हम ये राउंड विन करते हैं। साथ में जैसे ही मैं अगले राउंड में आता है यहाँ पे क्या होता है, मैं सीधा रश करता है इसके ऊपर, एक बंदा तो नॉक आता है, बट एक बार फिर से मैं भूल चुका था मैं अकेला हूँ यहाँ पे, और मेरे को यहाँ पे कैम करके सामने की साइड से नॉक कर देते हैं। ये सब तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम कैसे खेलते हो कैसे नहीं, तुम टीममेट के साथ रह के खेलते हो या फिर उनसे अलग रह के खेलते हो। अगर साथ में खेलते हो यहाँ पे तो ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, बिकॉज ऑलवेज रिवाइव तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन अगर अलग रह के खेलते हो वहाँ पे तुम्हारे हारने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। हालांकि ये गेम भी हमने बहुत इजी बुआ करा था, और यहाँ पे सामने की साइड में आता है एक और राउंड में, जहाँ पे कि हमने बहुत इजी बुआ मारा था AWM के साथ, मैंने यहाँ पे 150 दिया एंड ये भी नॉक हो जाता है यहाँ पे। अब लास्ट के दो ही बंदे बचे थे, जिसमें से एक बंदा मेरा टीममेट नॉक निकालता है और दूसरा बंदा भी मेरा टीममेट नॉक निकालता है यहाँ पे, और ये राउंड भी हम जीत जाते हैं। इसी के साथ ये मैच भी हम विन करते हैं, और तुम यहाँ पे स्ट्रीक देख सकते हो, मैं यहाँ पे एक भी मैच नहीं हारा जब से मैंने इस कॉम्बो को यूज करा है। ठीक है, अगला कमेंट है मेलेडी स्टूडियो की तरफ से। यहाँ पे इन्होंने कमेंट करा है बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन लूना प्लस ओथो प्लस एलाइट एल्वोरो प्लस A124। अब ये कॉम्बो देख के लगा कुछ जाना पहचाना कॉम्बो है, बिकॉज इस कॉम्बो को मैं बहुत यूज करता है यहाँ पे। अभी देखते हैं गेम में क्या होता है। फिर क्या था, मैं सीधा गेम में आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे पहला राउंड ही था, यहाँ पे मैंने जल्दी से इस बंदे को नॉक निकाला, दो बंदे मेरे ऊपर रश कर रहे होते हैं, मैंने जल्दी से स्किल ब्लॉक करा। अब एक की स्किल ब्लॉक होती है, नीचे की साइड ही गया, ये बंदा नॉक हो जाता है जल्दी से। दूसरा बंदा मेरे सामने था, इसको मैंने हेड देके तो नहीं लेकिन नॉक कर दिया बॉडी शॉट से। यहाँ पे दो ही बंदे बचे थे जिनकी लोकेशन मेरे को आ रही थी मेरे यहाँ पे ओथो से, देन यहाँ पे एक बंदा नॉक होता है और एक लास्ट बंदा बचता है यहाँ पे, जिसको मैं खत्म करने का ट्राई तो करता है यहाँ पे, बट ये ओरियन बन जाता है। कैसे इसका तुक्का लगता है मेरे ऊपर, इसने मेरे को जल्दी से हेड दिया यहाँ पे और मैं खत्म हो जाता हूँ, 1v1 में हार गया यहाँ पे। ये मैच तो हम डिफीट हो जाते हैं राउंड, सॉरी अगले राउंड में आता है यहाँ पे। मैंने सोच लिया था अब यहाँ पे होल्ड करके खेलना है यहाँ पे। अब ये बंदा मेरे ऊपर आता है रश मारने, मैंने जल्दी से इसको नॉक निकाला, मैं इसको क्लियर कर ही रहा था, इसका दूसरा टीममेट भी आ जाता है मेरे ऊपर, जिसको मैंने यहाँ पे जल्दी से बॉडी बॉडी से एक बार फिर से नॉक निकाला। मैंने सोचा यहाँ पे एक मेडिकेट लगाते हैं, देखते क्या होता है क्या नहीं, बट एक बंदा मेरे सामने आता है यहाँ पे, तीसरा बंदा आता है मेरे सामने, मैं इसको एक बार फिर से नॉक निकालता है यहाँ पे, और ट्रिपल किल के साथ हम ये राउंड बहुत इजी विन करते हैं। पहला राउंड हम जीत चुके हैं। अगले राउंड में मेरे को ये बंदा दिख जाता है, जिसके ऊपर मैं नेट करता है जल्दी से, और नेट करते ही डैमेज आ जाता है, और डैमेज आने के बाद ये नॉक भी हो जाता है, पता नहीं कैसे, सोनिया था शायद इसके पास। बाद में यहाँ पे मेरे ऊपर रश आने लगता है, जिसमें से एक बंदा मेरे को दिख गया था, जस्ट मेरे सामने था, मैंने इसको सोनिया बना दिया एंड ये भी नॉक होने वाला, इतना तो पता है, मैंने इसको जल्दी से नॉक निकाला एंड ये बंदा भी खत्म होता है। अब लास्ट बंदा बचा था, जिसको मेरा टीममेट खत्म करता है। हम आते हैं अगले राउंड में, यहाँ पे आने के बाद दो शॉट जस्ट मैंने दिया इसकी स्किल ब्लॉक
ब्लॉक है, मेरे को नहीं लगता है भाग भी पाएगा बिकॉज इसके लिए तो ब्लॉक है। यहाँ पे मैंने एक शॉट दिया, ये बंदा नॉक होता है, बट इसके टीममेट्स इसको कवर दे रहे होते हैं। जैसे ही कवर दे रहे होते हैं मेरे सामने आता है एक बंदा जो कि ड्रॉप चार्ज करता है, यहाँ पे दो शॉट दिया मैंने, ये बंदा भी जल्दी से नॉक होता है। अब यहाँ पे लास्ट के दो बंदे बचे हुए थे, मैंने नेट करा, थोड़ा बहुत डैमेज आता है, बट यहाँ पे बंदा मेरे को देख लेता है और ये बंदा रश करता है मेरे ऊपर, इसको लग रहा है मेरे को खत्म कर देगा, बट फन पार्ट तो ये था मेरा टीममेट ही इसको खत्म कर देता है। नेक्स्ट राउंड में आने के बाद क्या होता है, मैंने सोच लिया था मैं नेट करूंगा, मेरे पास नेट थे, तीन नेट थे यहाँ पे, मैंने जल्दी से नेट करा एंड यहाँ पे दो नेट से एक बंदा नॉक भी आता है, और जैसे ही नॉक आता है मैं एक और नेट करता, बट ये नेट का कोई फायदा नहीं होता है, यहाँ पे सामने साइड ये नॉक तो नहीं आता बट मेरा टीममेट इसको नॉक लेता है, पता नहीं कैसे किल चोरी करी इसने यहाँ पे। अब लास्ट बंदा होता है जिसको मैंने हेड दिया यहाँ पे, और ये मैच हम बहुत इजी पीजी विन करते हैं। जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं, ये जो कॉम्बो है यहाँ पे मैं पर्सनली यूज करता हूँ और मैंने बहुत बार यूज करे, तो मेरे सीएस सीरीज में जाके देख सकते हो, यही कॉम्बो मेरा रहता है ऑलरेडी, मतलब ऑलवेज मैं यूज करता हूँ, बट यहाँ पे कमेंट करा था भाई ने यहाँ पे, इसलिए मैंने दोबारा से यूज कर दिया। और इससे बहुत सारे क्लचेस करे हैं मैंने जो कि बहुत ईजी होते हैं, और मेरी मानो तो 100 problems 1 solution होता है यहाँ पे, मतलब तुम जितना भी यूज कर लो, कितने भी कैरेक्टर कॉम्बिनेशन लगा लो, बट सामने वाले के पास A1 2 4 है, वो तुम्हारे स्किल ब्लॉक करता है तो तुम कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। तो यहाँ पे ये कॉम्बो लगा के खेलोगे यहाँ पे तो बहुत ईजी विन करोगे, और यहाँ पे हम कर भी रहते, तुम देखो यहाँ पे ओथो भी है यहाँ पे हमारे पास, लोकेशन तो मिलती रहती है, कोई भी हमें मार नहीं पाएगा, अचानक से कोई तुम्हारे ऊपर रश नहीं कर पाएगा, तुम्हें सबकी लोकेशन पहले से ही पता होगी और यहाँ पे तुम एडवांटेज में रहोगे ऑलवेज से। जैसे कि मैं यहाँ पे रहता है, यहाँ पे ट्रिपल किल करे मैंने इस राउंड में, मैंने लास्ट वाले बंदे को जल्दी से खत्म किया यहाँ पे, और ही राउंड भी हम विन करते हैं। इस क्लिप में तुम यहाँ पे देखो मैं डैमेज था, मैं बहुत ज्यादा डैमेज था यहाँ पे, बंदा रश करता मेरे ऊपर बट यहाँ पे मैंने स्किल ब्लॉक करके जल्दी से इसको नॉक किया, और यहाँ पे टीममेट्स मेरे कवर में आते हैं और ये मैच भी हम बहुत इजी पीजी बुया कर जाते हैं, जिसके बाद हमने बहुत सारे मैचेस विन करे हैं। तुमने देखा यहाँ पे मैंने बहुत सारे मैचेस विन करे, मेरे पास नेट भी था और नेट करना अगर तुम्हें आता है तो तुम बहुत इजी पीसी किसी भी गेम को विन कर जाओगे, एडवांटेज में रहोगे ऑलवेज से, बिकॉज तुम दूर से एक बंदा नॉक निकाल लोगे, साथ में ब्लॉकर भी है, सबके स्किल ब्लॉक करो। यहाँ पे मैंने ब्लॉक करा था, लास्ट एक बंदा बचा हुआ था जिसको मेरा टीममेट खत्म करता है यहाँ पे, और ही राउंड भी हम विन करते हैं। कभी कभी क्या होता है, एनिमीज एक गोली के रह जाते हैं जहाँ पे कि स्किल ब्लॉक बहुत काम आता है, तो हम स्किल ब्लॉक फेंकते हो, 25 का डैमेज आता है और उसके बाद सामने वाले बहुत ईजी नॉक हो जाते हैं, अगर वो रिवाइव होकर भी उठे हैं तब भी नॉक आ जाएंगे, तो यहाँ पे ये भी बेनिफिट तुम्हें देखने को मिलता है। आई होप कि तुम अभी तक सब कुछ समझ चुके होगे, मैं तुमसे अगली वीडियो में मिलूंगा, बाकी कमेंट कर देना अपने बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। यहाँ पर मैंने सिर्फ 4 कॉम्बो ट्राई करे हैं, तुम्हारे पास अगर बेस्ट कॉम्बो है तो बताना जरूर से, अलग कमेंट करना ताकि मैं पिक करूं बहुत जल्दी तुम्हारे कमेंट। एंड तुम यहाँ पे देख सकते हो हमने कितने मैचेस विन करे, हमने बैक टू बैक 12 मैचेस विन करे थे यहाँ पे, मतलब ये पहले से स्ट्रीक थी, बट एक मैच हम हार चुके थे यहाँ पे और एक मैच हम विन करते हैं, ओवरऑल अच्छा गेम प्ले था। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।